यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विदा लेकर यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और वहां पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर भगवान निवास करने लगते हैं। बंधुओं, तो एक दिन क्या हुआ कि सूर्पनखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जसु अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकलो भाई बिकलो तुम्हारा पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकलो भाई जो गए तुम सम पुरुष ना मोसम नारी तुम सम पुरुष ना मोसम नारी यह संयोग विधि बता बंधुओं पंचवटी में जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित निवास करते हैं एक दिन रावण की बहन सूर्पनखा दोनों राजकुमारों को देखकर अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती और कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान नारी संसार में नहीं। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सूर्पनखा हूँ। राजकुमारी सूर्पनखा? हाँ, आपने लंकेश्वर रावण का तो नाम सुना ही होगा। मैं उसकी बहन सूर्पनखा हूँ। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। पर तुम्हारा परिचय नहीं मिला मुझे। तुम तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देव, देवताओं के पराक्रम वाले परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? देवी, राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, इसीलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे रूप और यौवन को देखकर मैं खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर तुमसे प्रेम करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करोगे? परंतु देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी सीता। ये कौन है तुम्हारी तरह इतना सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सम्मुख सुखद आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागे ने तो मेरी बात का मोल जाना ही नहीं। छोड़ो उसे, मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र का दास हूं। मेरी संगिनी बनकर जीवन भर भैया भाभी की सेविकाएं करते करते थक जाओगे। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहां जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया है केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी और इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। जब लक्ष्मण जी से ऐसे वाक्य सुने तो सूर्पनखा को बहुत क्रोध आता है और अपना भयंकर रूप बनाकर सीता जी पर झपटी।
तो आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन सके ना टाल, ओ काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। अगर दंडकारिणी में मैंने तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, प्रदूषण मेरे भाई नहीं। अब तो सूर्पनखा चिल्लाती हुई रोती हुई, हाय राम कट गई कट गई कट गई, इस तरह चिल्लाती हुई देखिए आप कहाँ जाती है, खरदूषण पर गई दिल पाता। खरदूषण पर गई बिल पाता, फिर फिर सब पौरुष पल पाता। अब तो बिलखती हुई रोती हुई सूर्पनखा खर दूषण त्रिसरा इत्यादि के पास जाती है और जाकर उनके पास अपनी नाक कटने की बात कहती है। राजा घर की दुहाई है, तुम्हारे राज में एक अमला के साथ अत्याचार किया गया है। क्या? किसका इतना दुस्साहस हो गया कि हमारी बहन का अपमान करे? जिसने भी ये काम किया है उसने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। क्या नाम है उस अभागे का? राम और लक्ष्मण ने। राम और लक्ष्मण? हाँ, उन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम दोनों मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का बदला लो, मेरे इस घाव को उनके रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दोनों राजकुमारों का ये साहस, भूषण हम आज ही उन दोनों को यमलोक पहुंचाएंगे। हमारा रथ तैयार करवाओ, हम अभी जाएंगे आज ही। जब खर दूषण आदि भगवान राम से जाकर संग्राम करते हैं तब यहाँ खर दूषण त्रिसरा आदि का संहार होता है। जब खर दूषण त्रिसरा का संहार हो जाता है तो सूर्पनखा अब रावण के पास जाती और जाकर कहने लगती है कि अरे रावण, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की। दंडक वन में दो भैया कुंवर आए हैं, नाम छोटे का लक्ष्मण बड़ा राम है, और वीर योद्धा भी है और रण बांकुरे, साथ में एक सुंदर लिए बाम है। क्या हुआ सूर्पनखा, ये कैसी गति बना रखी है तुम्हारी नाक पर? ये घाव कैसा? ये घाव नहीं, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या, तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये सूर्पनखा की नाक नहीं काटी गई है, ये लंकेश्वर राजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं, वहाँ शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी का विध्वंस कर दिया गया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जन स्थान पर बैठे खर दूषण क्या कर रहे हैं? खर दूषण, वे तो युद्ध में मारे गए। क्या, उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था, किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव, खर और दूषण बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं, असंभव। वो मानव है या भगवान, स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। सोचा यहाँ रावण ने कि जब खर दूषण त्रिसरा का वध हो गया है तो हम समझते हैं कि वाकई में इन्हें बगैर अवतार के तो कोई मार ही नहीं सकता है, इनका वध नहीं कर सकता है। क्यों कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। रावण ने सोचा जब एक ने ऐसे ऐसे वीरों को मार दिया है तो नारायण का अवतार हो गया है, हो सकता है यही सोचकर कि अब उनकी पत्नी को ले आऊं, अब देखता हूं कि अगर अवतारी होंगे
तो मेरी मुक्ति होगी, और अगर साधारण नर होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने किसी से दुश्मनी की है, मैंने रावण से बैर लिया है। यही सोचकर